The ball has gone out of the ground. That's the reason a new set of balls have come onto the field. This is by far the best shot of the tournament. बात कर रहे थे कि जी शोहरत पैसा दौलत, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सारी चीजें दी, लेकिन एक सुकून है ना वो मेरे पास नहीं था। क्योंकि जी सारी चीजें, इंसान इस दुनिया में किस चीज की मेहनत करता है कि जी मशहूर हो जाए, बड़ा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, पैसा हो जाए। ये तीन चीजें कब सारे लोगों के पास आ जाती हैं, गाड़ी, घर, पैसा। शोहरत कम लोगों के पास आती है, अल्लाह ने मुझे वो भी दी। लेकिन इसके बावजूद मैं मुतमईन नहीं था अपनी जिंदगी से। और मैं जिस शोबे में, मैं क्रिकेट में अल्लाह ने मुझे रखा, तो अब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसने मेरे से ज्यादा स्कोर किया हो। कि मैं अपनी फील्ड में भी बिल्कुल टॉप पे था, उसके बावजूद सुकून नहीं था। तो एक दिन कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से बात की, इंसान इस दुनिया में क्यों आया है, अल्लाह उससे क्या चाहते हैं, क्या अल्लाह कहते मांगते हैं इंसान से। तो मैंने इनकी सारी बात सुनी, खामोश हो गया। रात को जिस टाइम मैं सोने के लिए लेटा ना, तो मैं सोच रहा था कि दुनिया के दिखाने के लिए मेरे पास सारी चीजें हैं, अल्लाह को दिखाने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं। अगर मैं उस हालत में मर जाऊं तो मेरे से कब्र में ये कोई चीज पूछेगा मेरे से आके कि भाई इसको माफ कर दो, ये अमीर आदमी है, ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला है, ये पाकिस्तान का कप्तान है, इसको छोड़ दो। कोई छोड़ेगा इस चीज पे, ये वाला सवाल होगा। मैंने कहा कि जो पूछा जाना है उसकी तो तैयारी ही नहीं है। एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको हमने कराची में टेस्ट मैच था हमारा उनसे, तो मोहम्मद यूसुफ ने ना उसको खाने पे बुलाया, उसको दावत दी, बताया कि जी हम अपने अल्लाह के किस तरह बात मानते हैं, किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह माँ बाप की बात मानते हैं, किस तरह बीवी के साथ मामलात करते हैं, किस तरह बच्चों की परवरिश करते हैं, किस तरह पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, किस तरह अपना कारोबार करते हैं, सारी चीजें बताई उसको। तो ब्रायन लारा ये सुन के खामोश हो गया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद कहते हैं कि हाँ इसी तरह ही रहना चाहिए, लाइफ इसी तरह गुजारनी चाहिए। जिस टाइम खाना शाना खा लिया, तो जिस टाइम वो होटल जा रहा था यूसुफ के साथ, तो यूसुफ से कहते हैं कि यूसुफ ऐसे मुसलमान का है जो इस तरह जिंदगी गुजारते हो, सारी बातें अच्छी हैं लेकिन मुसलमान ही नहीं है ऐसे। आज मुसलमान कमजोर हो गया। जब हम एयरपोर्ट वगैरह पे जब सफर करते टीम के साथ, नमाज का वक्त हो जाता था तो एयरपोर्ट पे हम लोग नमाज पढ़ते थे अपने, तो जिस एयर लोग खड़े होकर हमें देखना शुरू कर देते थे कि भाई ये क्या अमल हो रहा है। वो एक दफा वर्ल्ड 11 की टीम थी, वहां मगरिब और इशा का वक्त हुआ, तो दो प्लेयर थे श्रीलंका के, एक मुरलीधरन और एक फ्लेमिंग। उन्होंने जिस दिन नमाज पढ़ते हुए देखा ना, तो वो करीब आ गए। उन्होंने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे थे। उनको बताया कि हम अपने अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं, सारा इस तरह करते हैं। वो कह रहे कि हमें देखने का बहुत मजा आया कि हम इसको करीब से खड़े होके देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी जरूर देखे करीब से खड़े होके। फिर उनसे बाद में पूछा कि भाई तुम किस चीज को फॉलो करते हो। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि हम किस चीज को फॉलो करते। जिसको मुसलमान आज फॉलो करने के चक्कर में है ना, उनको खुद को नहीं पता कि वो किस चीज को फॉलो करते हैं। इस दुनिया की जो सबसे कीमती चीज है ना, जो सबसे कीमती चीज,
वो हमारे पास है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तरीके ये हमारे पास है, और किसी के पास है ये? और हमने इसमें से जिंदगी गुजारना छोड़ दिया। भाई आज ये अल्लाह इरादा करे आज कि जो हमारी जिंदगी है ना वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक आ जाए। يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أنت المقصد أنت الجامع أنت الغني أنت الغني أنت المغني أنت المانع أنت الضار